इसने बेच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स दे नाल इहदी सिमिलैरिटी है वो है कि दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव है। और एक गल हमेशा लिए थानू याद रखनी चाहिए है क्योंकि बड़ी ही डिफरेंट ओकेजन के उपर थानू पूछा जाता कई बार कहा जाता कैलकुलेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस केस दे विच बेटा जिहड़ा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स है मतलब वो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स है। और उस कैलकुलेट करने लिए थोड़े दिमाग के विच माइनस डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू चु बेटा डेल्टा यू का मतलब की है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है तो डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है तो डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो तुसी इस तरीके नाल इनू कंसीडर करना है। तो मतलब ये फार्मूला थोड़े बड़े काम का है। इवन तुसी देखा होगा कि जिदा थानू कहा जाता प्लस टू दे विच दो कैपेसिटर दीयां प्लेट्स है तो उन्हां दो प्लेट्स नूं असी थोड़ी दूर शिफ्ट करना तो दसो वर्क डन कितना होएगा। तो उहदे विच भी वो की है वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ये वर्क डन बाय है। तो अगेंस्ट वाला केस माइनस डब्ल्यू सी हो गया ना तो आ बन जाएगा। तो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स है। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन का डेफिनेटली आना होता है। हुन जदों पुत्र पोटेंशियल एनर्जी की गल आती है तो हुन तक तुसी यहां से जो टॉपिक कवर अप कर चुके हैं है ना उस टॉपिक के विच बेटा देखो ध्यान दियो कि अगर थोड़े सामने दो पॉइंट चार्जेस है और उन्होंने विच सेपरेशन आ रहा है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0Q1Q2/2 पर अगर इन दो पॉइंट चार्जेस की जगह दो पॉइंट मासेस है तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस है और आ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट मासेस है ना तो इसका रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी। और एक्चुअली बेटा जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ये निकालते हैं जो आप लिसन जो असी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकालते हैं तो उसके लिए असी एक रेफरेंस लैवल एज्यूम करते हैं जिथे जिस कंडीशन के विच पोटेंशियल एनर्जी जीरो होंगी। तो आ जो फार्मूला या आ वाला फार्मूला डिराइव करते वक्त असी रेफरेंस लैवल जीरो रेफरेंस लैवल किनू मनिया पोटेंशियल एनर्जी का इनफिनिटी इन दोनों फार्मूलाज दे विच असी ये मान के चलते हैं कि जो आर इनफिनिटी है तो यू जीरो होएगा ना तुम्हारे सामने भी एक्सप्रेशन को नजर आ रहा है ठीक है। तो एक्चुअली किसी भी कंडीशन तो जी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट गल दसन लगा ये बड़े काम की है आई आई टी का खास करके ना कि देखो कि आप उत्तर जिहड़ी एक्सप्रेशन है आ वाली एक्सप्रेशन है
अगर आप पहला डिफरेंशियल फॉर्म च लिखिए, इनमें डिफरेंशियल फॉर्म च लिखा लगा डी, ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। और ये आज जो स्मॉल वर्ग टर्म है ये है एफ डॉट डी आर, बेसिक फार्मूला ना। तो जो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो माइनस वर्क एनर्जी पावर चीज में दस हो, तो हूँ बेटा अगर आप इनिशियल सेपरेशन आर कहने फाइनल सेपरेशन आर टू, तो इनिशियल सेपरेशन के वेले की एनर्जी यू वन है और यू टू, ठीक है। तो अगर तुम ये कह दें कि आप इनफिनिटी इनिशियल सेपरेशन इनफिनिटी है एनर्जी जीरो मान लिया तो आपको लिमिट आ जाएगी ना, तो अकॉर्डिंगली ये सारी रिजल्ट ऑब्टेन होगा। मतलब किसी भी जनरल कंडीशन के विच पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकालने का ये बेसिक फार्मूला है। माइनस साइन पता की शो कर रहे आप ध्यान ना गल सुनो पुत्र, माइनस साइन की शो कर रहे आप, लिसन, जेड़ा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है अगर वो पॉजिटिव है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है तब उन्हें करके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज घटेगी, तो जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है। और इसको याद रखने का तरीका बड़ा बढ़िया है, देखो इधर ध्यान दो, सारा कुछ आपके सामने है और तुम सोचो एक मिनट ले भूलन की लोड़ ही नहीं है, और तुम दिमाग च रखो कि जो मैं तुम्हें कहना कि आ पेन है ध्यान दो, अगर मैं इस पेन को छड़ा ये पेन नीचे नु जाएगा, ऑटोमैटिकली नीचे जाएगा, जो ये पेन नीचे नु जाएगा तो सोच के देखो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, नोट कर लिया। नाल दूजे पासे सोचो कि इस पेन पे फोर्स केड़ी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे नु, और इस पेन की डिस्प्लेसमेंट भी नीचे नु, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना। तो जे आप कहिए मैं इस पेन ऊपर को ले गया तो यदि हां है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे नु है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर नु है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव है पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, वो रिजल्ट है साहब। मतलब एक एग्जांपल बन गई यानी क्लियर कर देना इस केस को है ना, जो भूल जाओ कई बारी तो एग्जांपल दिमाग से ले आके कंफ्यूजन अवॉइड की थी जा सके। अच्छा हूँ पुत्र जो तुम ग्रेविटेशनल अपना तो साडा सारा स्ट्रेस क्योंकि सिक्स यूनिट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, तो उसे दो पार्टिकल्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला नोट कर लिया है। और ये जो फार्मूला है ये इवन उदो थानू हेल्प करेगा, गल नु सुनियो कि देखो हम क्योंकि आप आईआईटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं है ना, तो आज का फार्मूला है ये मोर जनरल है, कितना देखो ए आ देखो आप थोड़े गोल से सॉलिड स्फीयर, ठीक है, मैं जनरल दसन लगा थानू इस सॉलिड स्फीयर इहदा मास एम है और इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक। अगर मैनू कोई कहे एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल एम है वो एक्सटीरियर पॉइंट से लाई कर रहा और आ वाला डिस्टेंस आर, तो इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੂੰਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਯੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਡੋਟ ਡੀ ਆਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਔਰ ਆ ਯੂ ਹੈ ਔਰ ਆ ਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਫ ਐਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਰੇਡੀਅਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਡੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਡੀਅਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਓਵਰ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਆਰ, ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰ ਕੈਪ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਐਮ ਐਮ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਆਰ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ ਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ ਆਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰੂੰਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ from infinity to r minus f dot dr r to small r वैसे ही निकाल रहा है और f की वैल्यू g, तो आ वाली जेडी f की वैल्यू है g m m r square ते माइनस और आ वाली जेडी f है g m m GMM R by R cube. Yes. The direction आ रही है। पता लग गया? तो अब आया इतने ही होना है। जैसे ऐसी ना गाल? Yes. आई नहीं गाल है। तो integration और वो result तुसी derive कर लेना वहाँ और याद भी करना वहाँ। पर ये भूल जाए तो आप basic formula को पकड़ के रखना। ठीक है? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਮ ਛੋਟੇ ਐਮ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਾਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਬਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਾਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
फंक्शन सिस्टम टू स्टोर ऑन द पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का संबंध हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स नाल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्लियर? तो ये स्टेप्स पता लग गए। जब जी हमने क्या होगा कि अभी कंजर्वेटिव फोर्स क्या मतलब आधा में जो फोर्स वाला फार्मूला लगाया हमने, ये नेगेटिव लगाया ना हमने कंजर्वेटिव फोर्स करके, मैंने पता एक पोटेंशियल एनर्जी ली है ना। हां जी, जो हमने W यूज किया है वो और ये अपन फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन कर रहे हैं ना, तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स अगर मैं तुम्हें बता दूं तो ऐसा आना मैं कर सकते हैं। रिजल्ट्स हैं जिन्हें तुम याद रखते हैं, तुम भूलना नहीं है। और आ रिलेशन है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो अलग अलग सिचुएशन में पोटेंशियल दे एक्सप्रेशन कितने हैं, कितने है कितना मार, वो सारे तुम टिप्स से याद होने चाहिए है। जो तुम रीड करना सारे टॉपिक ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਪਾਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਵੇਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਟੂ ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੈ M1, ਆਹ ਮਾਸ ਹੈ M2, ਆਹ ਮਾਸ ਹੈ M3, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕੱਢੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ R12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਉਸ ਪੇਅਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ 2 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। और फिर 3 का 1 ना और 3 का 2 ना पेयर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये पहला बन चुका हुआ 1 का 3 ना फिर 3 का 1 ना नहीं बनाना ना, तब वो पेयर बन के तो ये पोटेंशियल वैल्यू है। अच्छा तो जे वो मेरे को कहे गल सुनो कि ये 10 पॉइंट चार्जेस शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं इनहा दी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकता है ना। शिफ्ट हो गया मतलब इनन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਚ ਦੱਸੋ ਵਰਕ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਰਕ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ ਯੂ। ਜੇ ਵਰਕ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਯੂ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ, ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਪਈਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ पोटेंशियल एनर्जी किस तरह कैलकुलेट करनी है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज मासेस दी, ता उस तो बाद मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता पोटेंशियल एनर्जी दे एक्स करम दे विच ना उत्तर निकाल सकता। पर हुन जड़ी गल तुहानू मैं दस रहा, देखो कि एक टर्म आती है एस्केप वेलोसिटी,
समझो बुध ग्रह और एस्केप वेलोसिटी नु समझन ले मैं मानू पहला एक सो आ सॉलिड स्फीयर है मास एम है रेडियस आर है सेंटर ओ है तो सपोज एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल एम है वो सरफेस पे लाई कर रहे हैं और आप इस पार्टिकल नु हाइट एच शिफ्ट करना पॉइंट ए को पॉइंट बी ठीक है जब ये पार्टिकल ए को बी शिफ्ट होया एक ता थानु किया जा सकता दसो कैलकुलेट करो वर्क डन टू शिफ्टिंग दिस पार्टिकल वर्क डन दसो दूजा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दसो मतलब दोनों का सेम ही है ना तो हूं पुत्र एक गल आज तो बाद हमेशा ही याद रखो जब थोड़ा पार्टिकल इथे है तब उस वक्त इस पार्टिकल और सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस जी एम एम बाय आर ते जब ये इथे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस जी एम एम आर प्लस एच तो ए बी है और ए ए पॉइंट और अगर वो ए तो बी गया वा आ फाइनल है आ इनिशियल है अगर वो बी तो ए आया वा ये आ इनिशियल है और आ फाइनल है ना हुन पुत्र चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस केस की कितनी है फाइनल माइनस आप सॉरी वो उल्टा करता है क्योंकि ऊपर हम जा रहे हैं तो ए इनिशियल है बी फाइनल है तो फाइनल माइनस इनिशियल तो तुसी यूबी और अ वाली एक्सप्रेशन पुट करके सॉल्व कर सकते हैं पर इस रिजल्ट नु असी इनर टर्म्स भी रख सकते हैं और नाल ये हमेशा याद रखना ग्रेविटेशन च ये जेड़ा स्मॉल जी है ना ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर वो आ फार्मूला है अब ये हमेशा काम आना चाहिए तो इन को मिक्स करके यूज करके ना थोड़ा रिजल्ट निकलना ना तो बेसिक रिजल्ट की है क्योंकि आप लोअर क्लासेस माइंस तो ही पढ़ते आए हैं कि जब कोई बॉडी थ्रू हाइट एच ऊपर को जाती है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होती है असी फटाफट कहते हैं mgh पर वो गलत है जब कोई भी बॉडी थ्रू हाइट एच शिफ्ट होती है तो उसकी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होती mgh ओवर 1 plus hyr है r रेडियस ऑफ अर्थ है और क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दे विच एच आर तो वो काट होंडा इस करके आ टर्म इग्नोर हो जाती है एमजीएच बच जाता पर अदरवाइज हुन कई बारी क्वेश्चन पता नहीं आता कि एक पार्टिकल है उस पार्टिकल नु असी शिफ्ट करना वा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट एच वेयर एच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਐਚ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਮਜੀਐਚ ਚ ਐਚਆਰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਤਾ ਐਮਜੀਆਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਐਮਜੀਆਰ 1 plus 1 ਮਤਲਬ ਐਮਜੀਆਰ ਬਾਈ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੰਕੁਰ
अर्शिया मोहनदीप हैं, आवाज आ नहीं रही। अच्छा अंकुर देखो पुत्र। अच्छा हुण आ जेड़ा रिजल्ट है ना, तो एक गल समझ जाओ, अगर कोई बॉडी नीचे तो ऊपर जा रही है तो ए रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जे ऊपर नीचे आ रही है तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हुण क्योंकि जदों आपां किसी बॉडी नूं सर्टेन हाइट तो ड्रॉप करते हैं या सरफेस ऑफ अर्थ को ऊपर नू प्रोजेक्ट करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है ना। तो उस केस दे विच बेटा असी डेल्टा यू और डेल्टा के ये अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये डेल्टा यू ते डेल्टा के जेड़ा वा ओ माइनस नाल रिलेटेड है, पता ना क्यों? एक्चुअली यू प्लस के कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के जीरो है। ठीक है, तो अगर ए इंक्रीज करेगा तो इनको डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर ए डिक्रीज कर रहा है तो इनको इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, प्रॉपर साइन है। तो अपन एक इशू भी यूज करता हूं, है ना, विद प्रॉपर साइन तो करेंगे जो न्यूमेरिकल सिखा ले, तो अपन सिर्फ पूरे टॉपिक नु देख रहे हैं अभी की साडे सामने आ सकता वा प्रॉब्लम दे नाल, है ना, भी बेसिक आइडियाज पता होण भी अच्छा, फार्मूला देखिया सी किते उहनू अप्लाई करना सीखना वा हाले डिटेल। फिर देखो बेटा एक गल याद रखनी है, वो की है, जदों तुसीं किसी भी पार्टिकल नू प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, और अगर वो पार्टिकल अर्थ दे फील्ड दे अंदर रहना, ग्रेविटेशनल फील्ड दे अंदर रहना, बाहर नहीं जाता, ता उदों तक वो पार्टिकल और अर्थ मिलके एक बाउंड सिस्टम बनाते हैं, और बाउंड सिस्टम दी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, पर जे तुसी चाहते हैं कि जेड़ा पार्टिकल असी थ्रो किया वा वो अर्थ दे फील्ड तो एस्केप कर जाए, ता वो किस सिचुएशन च करेगा, अगर उस पार्टिकल दी प्लस सिस्टम दी टोटल मैकेनिकल एनर्जी या जीरो है या पॉजिटिव है, पर जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी सॉरी मैकेनिकल एनर्जी जीरो है ता उस वक्त दी ओही वेलोसिटी नु असी कहंदे आ एस्केप वेलोसिटी। मतलब ये गल अज तो बाद भूलना नहीं, जदों भी कोई पार्टिकल एस्केप वेलोसिटी नाल थ्रो होएगा तो उस वक्त सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो होएगी। मतलब जदों कोई भी पार्टिकल उस वेलोसिटी नाल थ्रो किया जाएगा कि वो फील्ड तो एस्केप कर जाए, एस्केप वेलोसिटी दे नाल थ्रो होएगा तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जीरो आएगी, ते जे ओदी वेलोसिटी एस्केप तो ज्यादा वा तो सिस्टम दी मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव आएगी या पॉजिटिव होएगी, ते जे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एस्केप तो घट है तो फिर सिस्टम दी मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होएगी, बाउंड सिस्टम रहेगा ना, फिर एस्केप नहीं कर पाएगा। तो एदा मतलब जदों तुसी एस्केप वेलोसिटी दा कांसेप्ट दिमाग च लियाना पुत्र सुन लो,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਐਮ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੋਲਵ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ,